हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके ब्लेस से हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आइए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अलग रेसिपी, चिकन की रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है चिकन चुक्का रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाते हैं। सो फ्रेंड, चिकन चुक्का रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 750 ग्राम्स के अराउंड चिकन। चिकन के पीस इसमें काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तभी ये चिकन जल्दी से गल जाता है और ये रेसिपी झटपट बन जाती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट किया है। मैरिनेट करने के लिए मैंने 3 बिग स्पून दही लिया है, साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैंने लिया है 1 बिग स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 बिग स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 बिग स्पून रेड चिली पाउडर। और मैंने ऐड किया है गरम मसाला 1/2 स्पून। इन सारी चीज़ों को हेल्प ऑफ स्पून से मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने ये चिकन चुक्का बनाने से 1 आवर्स पहले ये मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो 2 से 3 घंटे पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक पॉट, पॉट को गर्म करेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई करेंगे अनियन। अनियन को मैंने 2 पार्ट में कर लिया था, मतलब कि 2-3 पीस जो प्याज के थे वो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे और 2-3 प्याज को मैंने लंबे लंबे साइज में कट कर लिए थे। जो लंबा साइज में कट किया था उसको मैं पहले से फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके एक प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। बचे हुए ऑयल में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं। गरम मसाले में मैंने लिया है तेज पत्ता, स्टार एनाइस, लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, जावित्री, 3 ग्रीन इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का 2 छोटा टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को ऑयल में डाल देंगे और कुछ देर के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने प्याज के 2 हिस्से कट कर लिए थे, आधे हिस्से को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, आधा हिस्सा बचा लिया था। तो अब मैं वो प्याज डाल दूंगी और उसको फ्राई करूंगी। अब हम प्याज को थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। प्याज फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, इसे हम 2 स्पून डालेंगे। जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट बनाने के लिए मैंने 4 से 5 ग्रीन चिली लिए थे, 1 पूरा पोटली गार्लिक का लिया था और 1 बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और इसे हमने पीस के पेस्ट बना लिया था। पेस्ट को डालने के बाद हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको बिना पानी डाले ही कुक करेंगे थोड़ी देर।
मैरिनेट किया हुआ चिकन डालने के बाद मैंने जो गोल्डन ब्राउन करके अनियन साइड में निकाला था उसको मैं ग्राइंडर में पीस के उसका पेस्ट बना के इसी साथ में डाल दूंगी और उसको उसके बाद मैं इसे अच्छे से कुक करूंगी। अब मैंने 5 to 6 मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर, साथ ही साथ 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन चुक्का को कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे काफ़ी कम समय में कुक किया जा सकता है। तो ये देखिए मसाले का कलर चेंज हो चुका है, कुछ चिकन चुक्का का मसाला पक चुका है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी हमें गाढ़ी रखनी होती है, इसकी ग्रेवी पतली नहीं होती है, ऐसी सूखी सूखी इसकी ग्रेवी होती है। ये देखिए चिकन चुक्का बिल्कुल कुक हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चिकन चुक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स इस चैनल पे जो भी नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।